आजाद नेशन न्यूज पैनी नजर हर खबर। बरेली के थाना प्रेम नगर स्थित गंगाशील हॉस्पिटल से एक मरीज ने चौथी मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली। पहले उसने अपने बच्चे को चौथी मंजिल से नीचे फेंका और फिर खुद छलांग लगा दी। बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। बरेली का गंगाशील हॉस्पिटल एक बार फिर चर्चाओं में आ गया है। आज दोपहर दीपक नाम के मरीज ने चौथी मंजिल से पहले अपने 9 वर्षीय बेटे दिव्यांश को फेंका और फिर खुद भी छलांग लगा दी। मृतक दिव्यांग के परिजनों के मुताबिक दीपक हॉस्पिटल से छुट्टी करवाना चाहता था, लेकिन बार बार कहने पर भी अस्पताल प्रशासन उसकी छुट्टी नहीं कर रहा था। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रशासन परिजनों पर बिल का पैसा जमा करने के लिए दबाव बना रहा था। वो यहाँ 3 दिन पहले एडमिट हुआ था, ठीक है। उसका इलाज डॉक्टर जो साइकेट्रिस्ट हैं, डॉक्टर जो भी साइकेट्रिस्ट, हाँ, वो इसका इलाज कर रही थी। वो 2-3 दिन से कल से उससे पैसा बना था, मुझे छुट्टी करा दो, छुट्टी करा दो। अच्छा, हमने डॉक्टर साहब से कई बार रिक्वेस्ट किया, डॉक्टर छुट्टी करा दीजिए, उन्होंने सुनी नहीं। अच्छा, अब आज हम आए, हम छुट्टी की बात कर ही रहे थे, फिर ये हादसा हो गया। उसको जो मतलब खर्चा बार बार हो रहा था, उसको बड़ा हल आता है, उस बात को लेकर काफी वो परेशान था। जाके वैसे और पास कराई गई, मतलब थाना प्रेम नगर क्षेत्र के गुलाब नगर निवासी दीपक शराब के नशे से परेशान था और अस्पताल में उसका इलाज करवा रहा था, लेकिन अस्पताल का महंगा इलाज उसकी कमर तोड़ रहा था, जिसकी वजह से वो परेशान था, लेकिन अस्पताल प्रशासन उसकी एक सुनने को राजी नहीं था। जब इस मामले में गंगाशील अस्पताल से बात की गई तो वो अपने ऊपर लगे आरोप को गलत बता रहा था, लेकिन बिल को लेकर अस्पताल पहले भी कई बार चर्चा में आ चुका है। साथ ही ज़्यादा पैसे की वसूली पर आए दिन हंगामे होते रहते हैं। ये मामला एक्चुअली एक पेशेंट हमारे यहाँ भर्ती थे, दीपक नाम से, संजय नगर के निवासी हैं और यहाँ अपना नशा छुड़वाने का इलाज कर रहे थे। और सुनने में आया है कि अपनी बीवी से सर अलग थे, काफ़ी सालों से इलाज मतलब काफ़ी सालों से क्या कहते हैं नशे से ग्रसित थे, तो अपनी इच्छा से ही यहाँ एडमिट हुए थे। घर वालों ने एडमिट कराया था, माता जी थी यहाँ पे मौके पे, अभी जो आपको तो आपने मिले भी होंगे आप लोग। तो आज लगभग 1 से 1.5 के बीच में चौथे फ्लोर पे जहाँ एडमिट थे, ये चौथे फ्लोर के वार्ड से गैलरी में आकर के पहले बच्चे को उन्होंने फेंका और फिर खुद छलांग लगा दी। बच्चे की तो मौके पर मौत हो ही गई थी, और ये भी इनको भी हमने तुरंत ICU में भर्ती कराया, जिनकी मौत उनकी भी मौत अभी कुछ ही देर पहले हो गई। क्या कारण क्या था कि क्यों कूदे वो? इसका कारण कुछ नहीं है, नशा उन्मूलन का अपना इलाज ले रहे थे यहाँ पे, और शायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में थे, है ना, और पारिवारिक उनके बीवी से शायद अलग रह रहे थे कुछ समय से, तो शायद मुझे लगता है उसी दबाव में ऐसा होना। उनके परिजनों का कहना है कि 3 दिन से वो दबाव बना रहे थे हॉस्पिटल के ऊपर कि छुट्टी कर दीजिए, मैं एकदम सही हूँ, और छुट्टी नहीं करे इसके चलते वो डिप्रेशन में थे। ऐसा बिल्कुल गलत है, और यहाँ ट्रीटमेंट ले रहे थे वो बिल्कुल ठीक थे, ऐसा उनको उनसे मिलने पर डॉक्टर ने साफ साफ बताया कि ऐसा कोई सुसाइडल उनके अंदर वो था नहीं कि वो सुसाइड कर लेते। और इनफैक्ट डॉक्टर से मिलने ही आए थे उनके अभी परिजन नीचे चैम्बर में, और डॉक्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट भी किया था कि हम अपने पेशेंट को ले जाना चाहते क्योंकि हम हमारी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। अच्छा जी, 9 वर्षीय दिव्यांश की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि दीपक ने इलाज के बाद दम तोड़ दिया। सूचना के बाद पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस घटना के बाद एक बार फिर गंगाशील अस्पताल कटघरे में खड़ा नजर आ रहा है। कैसे दीपक ICU से बाहर आया, पहले बच्चे को चौथी मंजिल से फेंका और फिर कैसे खुद छलांग लगाई? क्या इस वक्त अस्पताल में कोई भी स्टाफ उसको रोकने की कोशिश नहीं कर रहा था? फिलहाल अस्पताल अब इस मामले में अपने आप को पाक साफ साबित करने में जुटा हुआ है।
आज़ाद, नेशन न्यूज़, पैनी नज़र, हर खबर।